हे रे क्यों ठुकराया थाल पिया, तेरी रोवे प्राणो प्यारी। मैंने कुछ नहीं कहा, अपना दिल बहला रही थी, मैं तो पीछे हटने की कोशिश कर रहा हूँ, यही आगे आगे आ रही थी। हमारे दादाजी आदरणीय दादाजी श्री मुंशी सिंह जी, भूतपूर्व उप सरपंच साहब, 200 रुपए दिए हैं बाबूजी ने, एक बार तालियां बजा के स्वागत। बड़े भाई ठेकेदार मंगतू सिंह सनोप श्री सावत सिंह, जिन्होंने अगली साल भंडारा करने का फैसला लिया है, और आप सबके बीच में घोषणा की है, मेरी टीम के कलाकारों के लिए भी मेरे भाई 500 रुपए देते हैं, मंगतू भाई का तालियों से स्वागत। क्या ओ हो, आपने जो भी कहा पियाजी, अब तक मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। आपको जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहिए, ऐसे धक्के मत मारिए पियाजी। सच सच बता दूं सबको? जी सच सच बता दूं। बताइए साथियों, इसने वो त्रिया चरित्र फैलाया है। ये जो हमारा लड़का नहीं है ढोलक वाला, आपको यकीन नहीं होगा, ये 16 साल पहले पुलिस में नौकरी करके आया है, अब ढोलक बजाने का काम करता है, और 2 बहू है इसके। एक भाई वो छुट्टी आया, इस तक किसी ने यूं कह दी, रे ओ छोरे नेत्रपाल तेरी बॉडी न्यू। अब पुलिस वाले तो इतनी कही बहू, उसके चक्कर आ जाए इतनी देर में, और कोई पुलिस वाला बैठा हो तो बुरा ना मानियो भाई, और मान भी जा तो मान जाइयो मारी कौन सी भैंस खोलेगा भाई। इतने में ही इस ढोलक वाले के शक पैदा हो गया, और जाके अपनी घरवाली तेजो बोला, क्यों भाई क्यों भाई, कोई बात गड़बड़ है क्या? नहीं बोली जी पतिदेव कति भी कोई बात नहीं, मैं तो आपके चित्र कोई की गड़बड़ नहीं है, मैं तो करवा चौथ भी थारा फोटो देख के मना ली हूँ जी, कति भी कोई बात नहीं। पर छोरे का दिमाग बदल गया, यूं करा कोई गड़बड़ हो, एक 1500 रुपए की मिक्सी ला के दे दी बोढ़िया ने, झंडू भी मिक्सी चला रहा है, हाँ झंडू भी अपनी घरवाली ने मिक्सी दे रहा है, चलाइए मिक्सी तो मैं चला दूं, अपना दिल बहला लूं, मिक्सी चालन तो पहला मिक्सी में कुछ न कुछ पा लूं। मिक्सी दे गया अपनी घरवाली ने और चला गया ड्यूटी पे। अगले दिन ध्यान हुआ रहा, बोढ़िया का ध्यान करना है,
फोन मिला दिया घर, न्यू बोला हाँ भाई कित है, न्यू बोली जी घरा हूँ और कित होती घरा हूँ, न्यू बोला घरा है तो मिक्सी चला के दिखा, क्यों ताऊ जी, न्यू बोला मिक्सी चला के दिखा, बॉडिया ने दाबे बटन मिक्सी चला दी, मिक्सी कैसे चली झंडू, मिक्सी कई बार अगर लोड ज्यादा हो तो ऐसे चलती है, बस 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 इतनी देर में मसाला फूल जाएगा, बस बॉडिया ने दाबिया बटन मिक्सी चला के दिखा दी, यूं बोला मन मन में यूं बोला भाई है तो घराई कोई दिक्कत नहीं है, घराई है। अगले दिन फिर फोन मिला दिया थाने में, तो जब छुट्टी मिली यूं बोला हाँ भाई कित है, यूं बोली जी कित होती घराई हूँ, बोले मिक्सी चला के दिखा, फिर मिक्सी चला के दिखा दी, अब की बार ऐसे चली थी स्पीड कम हो चुकी थी, पुखने वाली थी। तीन चार दिन बाद फिर छोरे ने ध्यान होया, न्यू बोला रहा एक बार घराम फोन मिला ले बेरा नहीं की तो होगी, फोन मिला दिया, न्यू बोला कित है भाई, न्यू बोली जी कित होती घरा ही हूँ, बोला घरा है तो मिक्सी चला के दिखा, फिर मिक्सी चला के दिखा दी, चलाइए झंडू जी, अब की बार मिक्सी ऐसे चली थी, अब की बार ऐसे मिक्सी चला के दिखा दी, उसे तसल्ली होगी। दो तीन दिन बाद छुट्टी मिली, छोरा घरा आया, ये नेतर भाई पुलिस में लगा हुआ था, घरा आया, घर उसका लड़का बैठा था इसना इतना बड़ा, न्यू बोला रे तेरी चाची कित है, न्यू बोला चाचा न्यू तो मने बेरा ना कित है, पर जिस दिन से तू गया ना है मिक्सी ने लेके जा रही है, बेरा नहीं कित है, मन्ने भी नहीं पता, तो वो हालत तू मेरे सामने बनाना चाहती है, नहीं पिया जी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, हाँ मिक्सी कहीं और चला रही है, प्रेम करे है मेरे ते, मिक्सी कहीं नहीं चलाती मैं तो अपनी रसोई घर में भी यूज नहीं करती, हमारे आदरणीय बाबूजी जो जिला फरीदाबाद से चल करके हमारे बीच में पहुंचे, एक तालियां बजा करके स्वागत करिएगा श्री राजवीर सिंह जी फरीदाबाद, अपने बच्चों को 200 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ऐसे अल्फाज कहे हैं, त्रिया चरित्र न जाने कोई, त्रिया चरित्र न जाने कोई, और खसम न मार के फिर सत्ती हो, ये चरित्र है, इसलिए तेरी जैसी बेहया, तेरी जैसी बदजात, तेरी जैसी निकम्बी, तेरी जैसी डायन डंकनी पिचासनी मैंने कोई दूसरी औरत नहीं देखी। लेकिन आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरा नाम एक रंडियों की लिस्ट में हो चुका है। नहीं पिया जी, अपनी जबान से ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं। अरे जिस औरत के कारण जिस व्यक्ति के प्राण जा रहे हो उसे अगर ये शब्द ना कहे जाए तो क्या कहा जाए? मैं नहीं जानती कि आपके प्राण क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं, मुझे साफ साफ बताइए आखिरकार बात क्या हुई है, सुनिए। लाखों कसम उठा सकती है एक वैश्या करके जा रही है।
बद जात नहीं है? नहीं हूँ। ये किसका फोन है? प्रियंका देख रही थी, इसमें लिख रही थी आई लव यू। ये अभी मेरा फोन नहीं है पियाजी। ओहो, ये जो तेरा ये फोन झंडू? हाँ जी, ये मेरा नहीं है, ये उन्हीं का हो सकता है। जिसके पास था ये उसी का है। इसमें ये अभी आई लव यू लिख रही थी। मैं तो आई लव यू का मतलब भी नहीं जानती। मैं जानता हूँ, आया नहीं अभी तक मैसेज। पिया जी हाँ भाई झंडू, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा आई लव यू का मतलब क्या होता है। आई लव यू का मतलब होता है आई लव यू हिंदी में। तू यूं बता, अंग्रेजी जानता है? यस। कितनी जानता है? बस बस। अच्छा चलिए। पिया जी मैं नहीं जानती कि आपको किसने बहकाया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं एक पतिवर्ता स्त्री हूँ और पतिवर्ता स्त्री मैं। तू तो एक पतिवर्ता के नियम कानून और कायदे भी नहीं जानती। लेकिन मुझसे ज्यादा भी पतिवर्ता के नियम कानून कोई नहीं जानता पिया जी। तेरे तो ज्यादा। हाँ, क्या नियम कानून कायदे? जानती हूँ कि पतिवर्ता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो, कि पतिवर्ता वो कहलाती जो पति की आज्ञाकारी हो। पति ही ईश्वर, पति ही पूजा, नहीं पति ते न्यारी हो, उसको पतिवर्ता कहते हैं पिया जी, और मैं बिल्कुल पतिवर्ता हूँ। लेकिन मैं नहीं मानता कि तू पतिवर्ता हो सकती। आप नहीं मानते? नहीं। आपको साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। सिर से हेरा क्यों छतरा पेड़ का सिर से हेरा क्यों तारा सबल का हरी जहां शेर खां सेज चढ़ा शेर खां। ए झंडू बड़े आराम आराम से सेज पे चढ़ा होगा। मुझे तो एहसास भी नहीं हो रहा। तेरी जहां शेर खां सेज चढ़ा वहां शेर खान। ये क्या नाम है, किसका नाम ले रहे हो? शेर खान, झंडूवर का शेर खान, मोटा ताजा शेर खान। फर्क इतना है। कौन है शेर खान? तू शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। तू शेर खान को नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। तूने शेर खान को नहीं देखा? नहीं देखा। एक महीने शेर खान तेरे कमरे में रह के नहीं गया? अरे मैं तो ये भी नहीं जानती पिया जी कि शेर खान खाने की चीज है या पीने की, पहनने की चीज है या ओढ़ने की। बस बता, अगर तू शेर खान को नहीं जानती? नहीं जानती। तो ला मेरे फेंटा और कटारी, बता कहाँ है। तो ये बात है, आपकी फेंटा और कटारी मेरे पास नहीं है भैया जी। क्योंकि वो शेर खान के पास है। नहीं, ना ही वो शेर खान के पास है। आपके जाने के बाद मेरे महलों में आपकी बुआ आई थी, फेंटा और कटारी वो ही मुझसे लेकर गई। बुआ लेगी जी? तो फिर यूं बता, अगर फेंटा कटारी तेरे पास नहीं है, वो बुआ ले गई, तो वो शेर खान जिसे तू नहीं जानती,
तेरी बाई जंगा का तिल का निशान कैसे देख लिया उस शेर खान ने। मेरी बाई जंगा का तिल का निशान भी किसी शेर खान ने नहीं देखा पियाजी, बल्कि आपके उस बुआ ने ही देखा। बस अगर इस झंडू को तेरे महल में भेज दूं तो तुझे ये बुआ दिखाई देगा? नहीं, झंडू फूफा है और वो बुआ थी। कहते हैं सरदारों, चोरी जैसा धन नहीं अगर थानेदार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, भाई जैसा प्यार नहीं अगर तकरार ना हो तो, और औरत जैसा मित्र नहीं अगर ये बदकार ना हो तो, अगर ये बदकार ना हो तो। अंतिम कली आपके बीच में कहूंगा, मेरे छोटे भाई आरिस, अलवर जिले के युवा दिलों की धड़कन, जो आपके लाडले आपके चहेते और भगवान करे दिल्ली में जाकर के आपका प्रतिनिधित्व करें, भाई मोहित यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ अपने दल बल के साथ इस बहरोड और राठ क्षेत्र की आन बान शान, छोटे भाई मोहित यादव जी युवा दिलों की धड़कन हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार अपने लाडले बेटे को जोरदार तालियों का आशीर्वाद प्रदान करिएगा। आज के मुख्य अतिथि छोटे भाई मोहित यादव जी, हमारे अलवर जिले का भविष्य, स्वागत है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए ये कली सुनिए पिया जी। दादा ये इनका सबसे बड़ा हथियार होता है। झंडू खड़ा हो, झंडू इधर आ, बीच में आ जा झंडू। के करे है, क्यों ललका रहे है, सवाल जवाब तेरे इसके मेरे खाम खाम आ रहे, छोड़ के जा रहा है मुझे। कद तेरे सामने भी ऐसी समस्या आई है जो समस्या मेरे सामने है? मेरे सामने तो बहुत बार आती है, जब भी ये समस्या आती है 2-3 हजार रुपए का कर्तव्य हो जाता है। घर वाली को जब भी कोई जरूरत होती है 2 बार करती है, अजी सुनते हो क्या, फलानी चीज दिया दो, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर मैं दिया देता हूँ। तू भी बोड़िया का गुलाम है, है? क्या करूँ, गुलामी तो बहुत अजीब है, सपने में खो दूँ, नरम सभा है, मैं तो लते भी उसके अपना आप दो दूँ। ओ तेरा सत्यानाश चले जा तेरा, ओ अपनी लुगाई के लते भी धो दे तू, और तुम्हारी तरह थोड़ी है जो धक्के दे दे के मारे। मैं बिल्कुल, तू अपनी लुगाई के लत्ते भी धोते है? बिल्कुल धोते हूँ। वो हाँ, वो चिंता ना करे, साया सलवाड़ अगर, ओ इस बात की चिंता ना करे, अपना दिल बहला दू, दौड़ दौड़ में कमी थोड़ी छोटू, ऊपर से प्रेस भी चसा दू कपड़े। चोरू का गुलाम छोड़ी रोवती चाल बढ़े मेरा हृदय टटता को, कब औरत का ध्यान पलट जा जो मेरा पटता को ना, कब औरत का ध्यान पलट जा मेरा पटता को ना, मेरे छंद जैकरण छटता को ना, छंद जैकरण छटता को की मती न्यारी, बोले कावे से नर देव साथ में दीपा की लेदारी, जो फुकराया था रुपया तेरी हो मैं प्राय प्यारी, बोले भर ले ना पदे कार आरता जिसते जोड़ी आरी, जो फुकराया था रुपया बहुत बढ़िया।